मैं यहाँ पे आपके पास हूँ। हमारी इतनी किस्मत कहाँ है? तो सलमान यहाँ आएंगे? नहीं आप ठीक हो इधर वैसे? सलमान भाई तो मालिक के प्रोड्यूसर इधर के। बोलो मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। अरे वो खुश नहीं है। नहीं 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 कपिल खुश नहीं है। नहीं नहीं मैं खुश हूँ। अरे हमारे प्रोड्यूसर है। हाँ अच्छा देखो ब्यूटीफुल चार्मिंग के साथ जी आजकल मोस्ट टैलेंटेड जी भी ऐड हो गया है जी। ये मेरे टाइगर और भारत के वजह से। बैठिए प्लीज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आ जाता है। हाँ क्या बात है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और आपने कितने स्वीटली वो जो डायलॉग बोले हैं। पर मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज है। क्या? आई गॉट मैरिड। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हैप्पीली मैरिड पेट से पता चल रहा है। नहीं लेकिन आपको शादी हो गई अब किसको क्या दिखाना। आप काफी फिट लग रहे हैं। फिट हो गया मैं? बहुत फिट लग रहे हैं। सांस छोड़ो। एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई ऐसा। नहीं नहीं सच में सच में आप बहुत फिट लग रहे हैं। थैंक यू कैट। Sony TV, I want increase in my budget. वो budget वाला यहाँ पर है। कुछ diet tips हैं जो आप share करना चाहेंगे? Dieting? Dieting tips, gym tips जो आप share करना चाहेंगे? रात को सोने से पहले आधा किलो आइसक्रीम खाता हूँ। ओह, okay. अच्छा वो बंद कर दिया? हाँ जी, वो बाकी काम बंद हो गए। कितना पानी पूरी खा लेती हैं? पूरा ऐसे मुंह खोल के पूरा? Yeah, 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 lots. कितनी खा लेती हैं maximum? सात आठ तो एक साथ खा सकते आराम से। खाती हूँ। भाई आपने खाई कभी पानी पूरी? रोज खाता हूँ पानी पूरी। अच्छा एक स्टार है, एक स्टार है। मैं उनका वो झूमे रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। तो एक दिन फार्म पे आए तो मैं उनको जब वो छोटे थे से थे मैं उनको तब से जानता हूँ। तो जब फार्म हमने मैंने प्यार किया के पहले खरीदा था तो वो उस वक्त से आते रहे और फिर काफ़ी लंबा वो बड़े स्टार बन गए तो काफ़ी लंबा गैप हुआ। एक दिन वो फार्म पे आ गए। अच्छा जी। तो मैं था वहाँ पे, साजिद नटियाड वाला था। मैं समझ गया क्या बात कर रहे हैं आप। तो तीन चार लोग वहाँ पे थे तो मम्मी ने वहाँ पे पानी पूरी लगाया। अच्छा जी। तो आए व्हाट इज दिस? दिस इज भेल एंड दैट्स पानी पूरी। ओ माय गॉड पानी पूरी, दिस इज पानी पूरी, हाउ कूल इज दिस? रहता झूम है। लेट्स चेंज द टॉपिक। कैटरीना यू नो सिद्धू साहब जब भी आप आते थे हमेशा मिलते थे। ये अर्चना जी हैं। सिद्धू साहब ने कहा कि मैं तो आ नहीं पाया तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी आपके लिए। वाह। हाँ चिट्ठी के बाहर लिखा है ओपन विद स्माइल, उन्होंने लिखा ठोको ठोको। तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी है। हाँ। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ पता नहीं। तो ये बोलते हैं डियर कैट। कैट? हाँ सिद्धू जी ने लिखा है। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, अगर तुम पहले बताते हम तो एमएलए की सीट छोड़ के आ जाते। सिद्धू जी पंजाब में है? सिद्धू जी पंजाब में है। जी जी इलेक्शन चल रहा था। जी जी उसमें बिजी थे। इलेक्शंस के लिए बिजी। जी जी तो उन्होंने लिखा है कि वो हम तो राजनीति कर रहे हैं लेकिन आपकी राजनीति हमें बहुत पसंद थी। आगे लिखते हैं कि अगर आपको मेरा शेर पसंद आया तो आप मेरे लिए फ्लाइंग किस भेज सकती हो, तुम्हारा शेरी। सिद्धू जी खुश? वारे ऊपर वाले आज तो साक्षात मालिक आए हैं। हेलो सलमान भाई। हेलो कटरीना मैम। ओए अच्छा कटरीना सुबह से कैट कैट प्रैक्टिस कर रहा है इधर। कटरीना मैम हो गया था आज तो। आप नहीं मुंह से निकल रहा मैं मर जाऊं। सलमान भाई आगे आगे बात करो ना। एक बात बताएं आप। शो आजा तो कुछ नहीं कहते आगे आजा। कुछ नहीं कहते। शो तो सर चलता रहेगा। एक बात बताएं सर, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप इधर बैठे हैं और मैं एंट्री ले रहा हूं, मेरी टांगे क्यों कांप रही हैं? कमजोर हैं इसलिए। तू चेक करा सीरियसली, तेरा ना तेरे से ज्यादा हीमोग्लोबिन कौए चिड़ियों में होता है पता है।
बस सर देख लो यही ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखाना था, मेरे सर ये ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं शो में। मैंने तो इतना अच्छा सर, मैंने आपने आपकी जो कंपनी है उनके सीईओ को लेटर भी लिखा था। कौन से सीईओ? वो जो नदीम सर नहीं है, नदीम फिरोशी। सीईओ नहीं, CCEEOOYO है। मैंने सर 4 पेज की लेटर उनको लिखी, पता नहीं उनको लेटर समझ नहीं आई, उन्होंने मेरे को गेट आउट कह दिया। कैटरीना हम इनको ज्यादा मुंह नहीं लगाते, आप चाहें तो हम बाहर भिजवा सकते हैं इनको। नहीं नहीं नहीं, क्यों? देखा अच्छा तो है, हाय देखो तो उनका बड़प्पन है ना। कैटरीना मैम, ही इज टेलिंग लाई। ओ आई एक्चुअली सर आई एम वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस शो। ओहो यस यस, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस शो। आई टोटली एग्री, बिकॉज लास्ट शो में सब लोग इतने अच्छे थे, नजर लग गई उस शो को तो बंद होना पड़ा जी। हमको इस शो में एक ऐसा आदमी चाहिए था, बिल्कुल ऐसा नजर बट्टू, ताकि आके सबकी टाइमिंग खराब करे ताकि उस पर नजर ना लगे। नजर नहीं, बिल्कुल नजर नहीं लगती, नजर बट्टू है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन नहीं नहीं, इंग्लिश में, इंग्लिश में। माय फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर गुड, बट माय लास्ट इंप्रेशन ऑलवेज रॉकिंग। Always? So give me some years. Some years? Some years. हाँ, बोलो कुछ साल दो मेरे को। अच्छा। हाँ। So उसके आगे please, उसके आगे please लगा दो। I will rock and ma'am you will like me. ये इतनी English बोली ना, अब ये पैसे मांगेगा आपसे। सर ऐसी कोई बात नहीं है यार, मेरी बात सुनो। शो के प्रोड्यूसर आए, फिर वही पुराने फ्रूट रखे हैं तुमने। मैंने तो दोस्त भी बड़े पुराने रखे हुए हैं, वो भी फेंक दूं? भाई ये ना बचपन का दोस्त है मेरा, स्कूल टाइम का, इसीलिए शो में है। ये नेपोटिज्म का क्या चक्कर चल रहा है? तो भी हमारे पैसों पर दोस्त अगर टैलेंटेड हो, जैसे हमारा दोस्त है नदीम कुरेशी, उसको हमने CCEO बनाया, उसकी वजह से ये शो मिला हमें। भाई इसने ना बचपन में मुझे ना 2 नंबर का एक सवाल कराया था मैथमेटिक्स का, बचपन में, बस वो चुका रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, पढ़ाई लिखाई की तो बातें होंगी, मेरी थोड़ी तारीफ कर दो सलमान सर के आगे। मैं बताता हूँ कैटरीना, जब ये पैदा हुआ ना तो नॉर्मली नर्स क्या बोलती है आके, मुबारक को आपके बेबी हुआ है। ये पैदा हुआ नर्स आके थी, जो भी हुआ इट्स ओके नाउ मूव ऑन। और जब ये उन्हें सलमान भाई, नर्स बोली कुछ नहीं, कहती कॉल द पुलिस, कुछ तो गलत हुआ है। और पुलिस आई तो पुलिस ने कहा ये बच्चा तो क्यूट है, इसको उठा लो। और आपको पता है नॉर्मली बच्चे अंगूठा चूसते हैं, ये पुलिस वाले की पिस्तौल चूस गया। अभी 3 दिन पहले गोली निकली है। Oh, आप प्लीज चुप रहिए, आज एक एक्टर प्रोड्यूसर से बात करेगा, तो बुला के ला एक्टर को। मैं एक्टर ही हूं, और इधर सोनी टीवी ने मेमना बांधा हुआ है। मेमना बहुत क्यूट होता है, बड़े दांतों वाले बकरे। चंदू आगे बैठ के बात करना। मेरे को तो सर रात को सपना भी आ गया था कि कैटरीना मैम इधर आई हैं और उनको मैं 5-star होटल में डिनर कराने के लिए लेकर गया हूँ। क्या बकवास की तूने, क्या बोला तूने? आपको पता भाई ये 5-star होटल डिनर करने गया, वो वेटर ने इसके ना कपड़ा लगाया, से सामने नाइफ पड़ा हुआ था, कहता कल में इतनी इतनी रखना। वो जा यार, उसने दाल की कटोरी भर के मुंह के मारी, अभी 3 दिन से ग्रेवी निकल रही है और उसी ग्रेवी के साथ 3 बटर नान इन्होंने खाए हैं। सीरियसली लोगों के डार्क सर्कल बनते ना, इसकी शर्ट खुलवा के देख लो, इसके भूख सर्कल बने हुए हैं। सलमान भाई आप आउट ऑफ कंट्री तो जाते रहते हैं, इसको भी कभी ले जाएं और दुनिया दिखाएं, इधर मर्दों के पेट चेक करता रहता है बैठकर। हाँ तो मुंह देखने का क्या फायदा, मुंह भी तो तेरा पेट जैसा ही है। सलमान सर आपने बजरंगी भाईजान फिल्म बनाई, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को लिया, तो आपने उनको पूछा कि आप मेरी फिल्म में क्या कर रहे हैं? कहां तू, कहां नवाज भाई, वो करेक्टर पकड़ते तू पाँव पकड़ता है, फर्क कितना है, बकवास करता है। पाँव तो एक दिन हॉलीवुड वालों ने मेरे पकड़ने हैं। अच्छा हाँ, अच्छा सलमान सर एक सजेशन लेने थी मैंने, आप सुपरस्टार हैं तो मेरे को हॉलीवुड से फोन आया था, वो कह रहे थे हमारा आयरन मैन मर गया है। ओह माय गॉड, तो मैं ऐसे हाँ कर दूं या पहले स्क्रिप्ट वगैरह मंगा लूं? सिक्योरिटी जस्ट किल हिम, मैं कल ट्वीट करूंगा चंदू इज नो मोर। इतनी तूने डायरेक्ट बात कर दी, इतनी बड़ी, आयरन मैन मर गया,
जब फिर क्या हुआ, दो एक्टर डिस्कशन कर रहे हैं। स्क्रिप्ट सुन लो आप पहले, स्क्रिप्ट सुन के उसके बाद उनसे गालियां सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है सर, मैं सुन लूंगा स्क्रिप्ट। भाई एक्टर वाला कॉन्फिडेंस ही नहीं, अभी किसी को आप अपना रिज्यूमे भेजते हो, बायोडाटा भेजता आदमी तो लिखता है मैं एक्टर हूं, ये ब्रैकेट में लिखता है जरूरत पड़ने पे मैं चाय भी बना लेता हूं। सर ये मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं यहाँ पे शो में, बाहर जितने भी एक्टर यहाँ पे, बस सबको वारंटी दी हुई है और वारंटी में फ्रूट्स रखते हैं, मेरी वारंटी में कभी इन्होंने फ्रूट नहीं रखवाया। तुमने इनको वारंटी दी? नदीम भाई आपने इनको वारंटी दी? मैं टेंट में बैठा हूं और ये वारंटी में। चलो ठीक है, उड़ाओ उड़ाओ पैसे, उड़ाओ पैसे, उड़ाओ उड़ाओ। सलमान भाई आप इसके साथ मिल गए, मैं तो सच में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई ये डिमांड ही अजीब अजीब करता है, बोलता है मेरे को आगे इधर बैठना है, इधर मेरे को इंटरव्यू करनी है, मैंने ऐसे ऐसे बता कभी क्या बोल रहा था? पता क्या सर, हम एक स्कूल के पढ़े हैं, जो ये करता मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे करने नहीं देता ताकि मैं छा ना जाऊँ। आय हाय, चल आज सामने है तेरे सलमान है कटरीना है, छा जा आज तू जा। ऐसे थोड़ी छा जा, कर सीरियसली जो करना कर आज। तो जोरदार तालियां सलमान भाई के लिए और कटरीना मैम के लिए। ठीक है सो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो सलमान भाई, जैसे आप चैरिटी वगैरह करते हैं, तो आप बीमार लोगों को करते हैं कि नॉर्मल लोगों को भी कर देते हैं? तेरे को मैंने शो में इंटरव्यू करने दिया, तू इंडायरेक्टली भीख मांगने शुरू कर दिया। मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ सर, बीमार लोगों के लिए करता हूँ। ओके, चैरिटी आप चेक से कर देते हैं जी, तो जिनके बैंक अकाउंट्स होते हैं उनमें चली जाती है, तो जिनका अकाउंट्स नहीं होता तो उनको आप ऑन द स्पॉट दे देते हैं कि शेरा पाजी के आप भिजवा देते हैं? उनके घर पे पहुंच जाता है, शेरा लेके जाता है। ओए बाउंस हुए चेक, ढंग का सवाल पूछिए, क्या सवाल पूछ रहा तू? नहीं नहीं, आप क्या सोच रहे यार, मैं अपने लिए थोड़ी पूछ रहा, मैं तो आम लोगों के लिए पूछ रहा था। अदरवाइज आई हैव 4-5 अकाउंट्स। वाह भी तेरे गोरे गांव के विजय माल्या, तुझे तेरा तो फेसबुक वालों ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया था बे, तेरा कौन से बैंक ने खोल दिया? खैर सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, ये तो ऐसे बोलते रहते हैं कि आप चैरिटी जो है आप ऐसे दे देते हैं, उसके लिए हाथ पांव तोड़वाने पड़ते हैं। सिक्योरिटी सर, मेरे शो सभी सिक्योरिटी बुला लो, मेरे जाने का टाइम हो गया सर। तो मैं जा रहा हूँ सर, एक जप्पी डालूँ आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, एक बार बोल दो आप मेरे साथ। मैं मजाक कर रहा था, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई। ओके मैम, बाय।